होता है। और इस कथा का सबसे बड़ा श्रोता कौन है, इस कथा का सबसे बड़ा वक्ता कौन है? मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, ये तो दुनिया की नजरों में है, वास्तविकता तो यह है इस कथा के सबसे पहले श्रोता श्री राधा गोविंद हैं और इस कथा के वक्ता भी स्वयं श्री राधा गोविंद हैं। हम सब सिर्फ आवाजें करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई और है जो कथा कह भी रहा है और जो कथा सुन भी रहा है। आप सबके हृदय में बैठे भगवान ने आपको कहा कि चलो कथा करो, उनके मन में इच्छा हुई कथा सुनने की, तब जाकर के ये आयोजन हुआ, तब जाके आप अपने अपने घरों से निकल के इस प्रांगण तक पहुंचे। इसलिए कथा के सबसे प्रथम श्रोता, प्रथम वक्ता स्वयं श्री राधा गोविंद है। इस कथा से हमें करना क्या है? इस कथा से अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। कथा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति नहीं है, ज्ञान तो तुम्हें कहीं से भी मिल सकता है। कथा का वास्तविक फल है प्रेम की प्राप्ति हो। प्रेम प्राप्त हुआ तो ही कथा की सफलता है, तो ही कथा की सार्थकता है। उस प्रेम को पाने के लिए ही आप हम सब इस प्रांगण में आए हैं और प्रभु से, इस भागवत से 7 दिन तक यही प्रार्थना करेंगे कि कुछ मिले ना मिले, हमें हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति भर दो, इसके अलावा इस भागवत से कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं। तो प्रभु ने आज हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त कराया है, उस अवसर को प्रभु के चरणों में हम धन्यवाद देते हुए आज की कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले महात्म श्रवण करेंगे। कथा सुनने आप आए हो इतनी ठंड में, वैसे कथा में तो ठंड नहीं लगती, कथा में जब बैठ जाते तो सब भूल भाल जाते हैं। इस कथा को सुनने का महत्व क्या है? शास्त्रकार जानते थे कि कलयुग का जो आदमी है ये थोड़ा लालची है, इसको जब तक थोड़ा लोभ ना दिया जाए तब तक ये प्रभु की भक्ति अपनाता नहीं है, भगवान की कथा में भी इसको लोभ चाहिए। दुनिया की संसारिक चीजों में तो लोभ चाहिए ही चाहिए, लेकिन भक्ति में भी चाहिए, तभी तो हम सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में जाके अपनी अपनी मांगे मांगते हैं। अगर मांग पूरी हो गई तो फिर देखो कैसी लंबी लाइन लगती है। संसारिक वस्तुओं में जब हमें लोभ चाहिए तो भागवत से भी कुछ ना कुछ लोभ तो हम लोगों को होता ही है। इसलिए शास्त्रकारों ने महात्म बताया कि इस कथा को सुनने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? भागवत का पहला श्लोक, सभी हाथ जोड़ करके प्रेम से सभी पाठ करेंगे भागवत के प्रथम श्लोक का। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशा
वयम् भागवत का प्रथम श्लोक सबसे पहले महत्व प्रारंभ किया गया कि इस कथा से हमको पाना क्या है, कथा का सार क्या है। तो इस श्लोक में कथा का सार, पहले यद्यपि कथा का सार अंत में बताया जाता है किंतु भागवत में पहले ही कथा का सार बता दिया गया। कथा का प्रथम श्लोक बताता है कि भगवान कृष्ण के बारे में, और जिसने कृष्ण को जान लिया उसने समस्त भागवत को जान लिया, जिसने कृष्ण को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आज हम सब, भगवान ने हमें प्रेरित किया कि हम इस कथा में आकर के कथा श्रवण पान करें। जब इलेक्शन होता है तो जो पब्लिक होती है वो वोट डालती है, जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा जो इलेक्ट किया जाता है वो विधानसभा या लोकसभा में जाके बैठता है, और जो भगवान के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है वो भगवान की कथा में आके बैठता है। तो आप हम सब जो हैं ठाकुर जी के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, तब हम जाके इस कथा में आए हैं। कल हमारे यजमान जी परिचय दे रहे थे, जब रात्रि को आए थे, ये बुआ जी हैं, ये चाची जी हैं, ये काकी जी हैं, एक घंटा परिचय में ही लग गया। आप सबका परिवार खूब ठाकुर जी ने भरपूर दिया है और सब में प्रेम है, ऐसा बना रहे यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। लेकिन आप विचार करिए, कोई बुआ कहीं से आ रही है, कोई चाची कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही, ये सब क्या है? ये भगवान ने जन्म से पूर्व निर्धारित कर दिया कि इस दिन, इस तिथि, इस घड़ी, इस मुहूर्त, इस धरा पर भगवान की कथा होगी, ये कथा करेंगे, ये कथा कराएंगे और ये कथा सुनेंगे, तब आप हम सब यहां आकर के बैठे। क्योंकि हर चीज तुम्हें, हर वस्तु तुम्हारे कर्मों से मिल सकती है, लेकिन चार वस्तु है जो अपनी कर्मों से नहीं मिलती, उसकी कृपा से मिलती है। पहला सत्संग। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने कोई कर्म किया तो मिला, नहीं, उसकी कृपा हुई तो ये सत्संग सुनने को मिला। दूसरा मनुष्यत्वम, ये वेद का सूत्र है, मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर भी तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला, किससे मिला? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। उनकी कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला। पहली वस्तु क्या दुर्लभ है? सत्संग। दूसरी मनुष्य शरीर। तीसरी मुमुक्षत्वम, मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो मुक्ति की इच्छा जागना बड़ा मुश्किल है। कितने लोग यहां हैं जो मंदिर में जाके कहते, ठाकुर जी अब तो दुनिया से छुड़ा के अपनी शरण में ले ले, कहते हैं। मैंने तो सबको ये कहते सुना, ठाकुर जी एक पोता दे दे, ठाकुर जी चार फैक्ट्री पांच भी और लगवा दे, एक बंगला और दे दे। कभी ये नहीं कहा कि भगवान इन सब चीजों से छुड़ा के अपने चरणों में ले। मुक्ति मिलना
बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुक्ति की इच्छा मन में जागना यह बड़ी दुर्लभ बात है। प्यास जागे तो सही। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, कोई एक देश था, उसमें कारागार था, जेल था, बहुत सारे कैदी रहते हैं। एक दिन उस देश के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का उस जेल में उद्बोधन था, भाषण था। राष्ट्रपति साहब आए, उन्होंने बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वैसे नेता ऐसे मिलते कम हैं, पर कहीं कहीं ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सबको भाषण दिया। उसके बाद जो मेन उस जेल का अधिकारी था, उसको कहा कि भैया हम हर एक कैदी से एक एक करके मिलना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं, इनको कोई कमी तो नहीं है यहां पे। उसने कहा ठीक है साहब, जैसी आपकी आज्ञा। हर एक कैदी के पास उस राष्ट्रपति को ले जाया गया। वो सबसे जाके पूछा, भैया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? पहले कमरे में गए, उस कैदी ने कहा साहब तकलीफ तो कोई नहीं है, पर हमें भोजन थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये हमको कम देते, हमारा भोजन बढ़वा दो। तुरंत आदेश दिया इसका भोजन बढ़ा दिया जाए। दूसरे कमरे में गए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब वैसे तो सब ठीक है, पर ठंडी बहुत पड़ रही, एक कंबल से काम नहीं चलता, हमें एक और दिला दीजिए, तुरंत इसको दिया जाए। तीसरे कमरे में गए, तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें साहब, हमें थोड़ा टीवी देखने का शौक है, तो टीवी लगवा दीजिए, कोई बढ़िया मूवी आ रही हो तो देख लेंगे, और कोई धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो वो कह रहा होगा आस्था भजन लगवा दीजिए, तो देवी चित्रलेखा की कथा देख लेंगे। अगले कक्ष में गए, भैया तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज कमरे में गंदगी बहुत है, इसको थोड़ा साफ करा दीजिए। सबने जो मांगा वो राष्ट्रपति देता गया। अंतिम कमरे में पहुंचा, पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा साहब मैं कोई पापी नहीं हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं कभी कोई पाप जानबूझ के नहीं करता, बस एक गलती, एक पाप हो गया था अनजाने में, जिसकी सजा आज भुगत रहा हूं। साहब मैं वादा करता हूं आज के बाद कोई पाप गलती से भी नहीं करूंगा, बस एक बार आप मुझको इस जेल से बाहर निकलवा दीजिए। तुरंत ऑर्डर दिया गया, राष्ट्रपति जेल से बाहर निकले, उससे पहले वो निकल गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है। तुरंत उसको बाहर छोड़ दिया गया। यही हालत हम सब की है। ये संसार एक कारागार है, कोई ना कोई किसी पाप के द्वारा इस कारागार में पड़ा है। हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान पूछते हैं बेटा तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, तो जैसे वो कैदी छोटी छोटी चीज मांगते, कोई कंबल मांग रहा है इतने बड़े राष्ट्रपति से, कोई रोटी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, लेकिन एक था जिसने कहा कि मुझे इस जेल से मुक्त करा दो। वही हालत हम सब की है। भगवान से कहते हैं एक बंगला दे दो, एक गाड़ी दे दो, जो भगवान के लिए बड़ी तुच्छ चीज है, लेकिन वही कोई भगवान से कहे प्रभु मुझको इस संसार से मुक्त करा के अपने चरणों में लगा लो, तो एक क्षण नहीं लगेगा भगवान को इस संसार से तुम्हें अपने चरणों में लेने के। इस कथा से मुक्ति की प्यास जगानी है। मुक्ति भी नहीं, मुक्ति मिले ना मिले, भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करता, लेकिन प्रभु का प्रेम मिल जाए, वो प्रेम की जिज्ञासा इस कथा से प्रकट करनी है। इसलिए पहला सत्संग है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और अंतिम है महापुरुष संशय। उस इच्छा को जगाने वाला किसी महापुरुष का, किसी सद्गुरु का सानिध्य मिलना, ये भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रभु, इस सत्संग ने क्या नहीं किया,
इस सत्संग ने सबको तारा है, आज हम इस भागवत की शरण में आए हैं। इस भागवत ने अजामिल जैसे, इस भागवत ने धुंधकारी जैसे पापी को तार दिया, ज्ञान वैराग्य को तार दिया, आज हम भी इस भागवत की शरण में, इस सत्संग की शरण में आए हैं। भक्त कह रहा है, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान से मिल जाए।
को पाना तप बल की जोर से। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। वो बधे चली आएंगे सत्संग के दौर से। वो बधे चले आएंगे सत्संग की डोर से। सत्संग है शबरी मीरा नरसी की तान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है शबरी मीरा नरसी की तान बंदे। सत्संग मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। वो बंधे चले आते हैं सत्संग की डोर से। आज तक जिसने पाया इसी सत्संग के सहारे पाया। हम सब ने भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन उनका श्रवण अपने कानों से उनकी लीला कथा गुणगान सुन करके हमने उनसे प्रेम किया है। अगर वो मिल सकते हैं तो उनके सत्संग के द्वारा ही प्राप्त हो सकते। आप कहोगे अरे सत्संग तो इतने लोग सुनते आज तक तो मिले नहीं। कई लोग तो कहते हमने 108 कथा सुन ली, 108 सुन ली, लेकिन आज तक नहीं मिले। कोई बात नहीं, एक कथा में ना मिले दूसरी कथा में ना मिले, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एक ना एक दिन अपने आप ही ठाकुर जी की कृपा होगी। हर बार जब आप कथा में आते थे पीछे मुड़ के देखते थे, कभी आपका रिश्तेदार निकलता, कभी आपकी पत्नी, कभी आपका परिवार बंधु निकलता, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि कथा सुनते सुनते किसी का हाथ आपके कंधे पर रखेगा। पीछे मुड़ के देखना ना कोई रिश्तेदार होगा ना कोई सगा संबंधी होगा, स्वयं श्री ठाकुर जी आपके कंधे पर हाथ रख के मुस्कुरा रहे हैं। लोग प्रश्न करते अरे लो इतनी कथाएं होती हैं पर कुछ फायदा ही नहीं। तुम्हें फायदा आज नहीं मिलेगा, इस कथा का फायदा तुम्हें अगली आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होगा। फिर देखिएगा कि इस कथा ने क्या किया। आप कहेंगे अरे लोग कथा में आते हैं सोते हैं, क्या फायदा कथा सुनने का। घर में सो गए तो कोई जगाने वाला नहीं है, पत्नी और ऊपर से कंबल डाल देगी, ठंडी पड़ रही है इनको ठंडी ना लग जाए, और हीटर वीटर लगा के और सुला देगी। लेकिन कथा में आ जाओ, यहां आके सो भी जाओगे, एक दिन सोगे दो दिन सोगे, किंतु श्री सुखदेव जी के श्लोकों में तुलसीदास जी की चौपाइयों में इतनी ताकत है कि एक ना एक दिन वो आपको जगा करके ही रहेंगे। जागना पड़ेगा क्योंकि सोते हुए को जगाना ही सत्संग का काम है। अब इसका मतलब ये मत समझना सोने की छुट्टी मिल गई,
कि अब तो बोल दिया, अब तो, क्योंकि ये बात सच है, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करती, प्रेमियों को तो कथा से अच्छा कोई नहीं, और कुछ जो मायावादी लोग होते हैं उनको संसार में रात रात भर नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आकर उनको बिठा दो, 5 मिनट में आ जाती है। मंगलाचरण शुरू नहीं होता उससे पहले ही नींद आ जाती है। कहते कोई एक गांव था, उस गांव में हर वर्ष कथा होती थी, तो हर वर्ष कथा होती है, हर बार कोई ना कोई अलग अलग व्यास जी आके कथा सुनाते थे। गांव की रीति थी कि गांव के जो मुखिया जी थे, जिनको सरपंच जी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बंगला भाषा में, प्रधान, तो गांव के जो प्रधान जी थे वो मुख्य श्रोता होते थे, पूरे श्रोता बैठे लेकिन उनका सोफा सबसे आगे लगता था। कथा का समय अगर 2 बजे और प्रधान जी 4 बजे तक नहीं आए तो 4 बजे तक कथा शुरू नहीं होती थी, जब प्रधान जी आएंगे बैठेंगे तो ही कथा शुरू होगी। अब एक बार कथा हुई तो कोई व्यास जी पहुंचे, वो तो टाइम पर बिल्कुल पक्के थे, पहुंच गए व्यासपीठ पर। ट्रस्टियों ने कहा महाराज अभी कथा नहीं, पहले प्रधान जी को आने दो। पंडित जी को लगा प्रधान जी को लगता है बहुत बड़े श्रोता हैं, बड़े भावुक हैं, जब तक वो आते नहीं तब तक शुरू होती नहीं कथा, चलिए उनको आने दीजिए। वो आ गए, सबसे आगे बैठ गए सोफे पर, सब पीछे बैठे, कथा प्रारंभ हुई। इधर कथा प्रारंभ हुई, इधर प्रधान जी के खर्राटे शुरू हुए, आते ही सो गए। पंडित जी को लगा इनके लिए 2 घंटा वेट करवाया हमसे, हमने सोचा कोई भावुक श्रोता आ रहा होगा, बेचारा बैठेगा आगे कथा सुनेगा, यहां सबसे आगे सोफा लगा के बैठ गए, अब कथा हम कैसे सुनाएं? अब तुम इतने भाव से कथा सुना रहे हो और सामने वाला बैठा बैठा सो रहा हो, तो आप तो सोचोगे अरे भैया कथा में कोई कमी तो नहीं रह रही, ये सो क्यों रहे? क्योंकि श्रोता मुख से बोलता है, वक्ता मुख से बोलता है और श्रोता अपनी आंखों से बोलता है, पहचान में आ जाता है कौन श्रोता है कौन सोता है, उसकी आंखें बता देती है। पंडित जी ने कहा भी ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हम ऐसे कथा नहीं सुना सकते, जब तक लोग कथा ध्यान से सुनेंगे नहीं हम सुनाएंगे नहीं। ट्रस्टियों ने कहा महाराज ये तो आगे ही बैठेंगे, जैसे आपको करना है ऐसे करिए। पंडित जी ने सोचा हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उन्हें देखा कि उन सरपंच जी प्रधान जी के साथ उनका एक छोटा सा पोता साथ आता था। पंडित जी को तरकीब सूझी, उन्होंने कथा खत्म हुई और पोते को इशारे से बुलाया, बोले बेटा इधर आ। बेटा पहुंच गया, हाँ पंडित जी कहिए। अरे बेटा ये तेरा दादा कथा में आती सोता क्यों है? बोले क्या बताए पंडित जी, हमारे घर में हमसे भी छोटे हमारे 4-5 भाई बहन हैं, रात भर रोते रहते हैं तो मैया चारों पांचों को इन्हीं के पास सुला जाती है, इसलिए बेचारे रात भर जाग के उनको हिलाते रहते हैं, और दिन में भी कहीं ना पकड़ा दे इसलिए सोने के लिए कथा में आ जाते हैं। पटना जी बोले अच्छा अच्छा बेटा एक बात बता, तुझे टॉफी अच्छी लगती है? बेटा बोला महाराज काम बताइए, लालच मत दीजिए, आजकल के बच्चे बड़े चालाक हैं, आप उनसे पूछो बेटा ये चीज पसंद है तो उनको पता है कि इनको कुछ काम करवाना है। ले पंडित जी काम बताइए। ले बेटा एक काम कर, जब ये तेरा दादा है तू साथ बैठ जाया कर कथा में, और जैसे ये सोए तुरंत कोहनी मार के इनको जगा दिया कर, हम तुझको 10 रुपया देंगे तू टॉफी खरीद लेंगे। बच्चे ने कहा ठीक है। दूसरे दिन आए, कथा प्रारंभ हुई, पंडित जी आज खुश हैं कि आज अच्छे से कथा सुनाएंगे। अब कथा प्रारंभ, उधर प्रधान जी ने सोना शुरू किया, पंडित जी ने इशारा किया, पोते ने झट से कोहनी मारी, प्रधान जी जाग गए। 3 घंटे तक सोने नहीं दिया, आज 1 मिनट नहीं सोए।
पंडित जी बड़े खुश हो गए, अरे वाह अब तो 7 दिन आराम से कटेंगे। पर अगले दिन हुआ यूं कि जैसे पंडित जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, प्रधान जी ने सोना शुरू किया, पर पोता आज अपने दादा को जगाए नहीं। और जैसे पंडित जी उसकी तरफ देखने की कोशिश करें कि जगा, तुरंत छोरा अपना मुंह घुमा लेता, कहीं व्यास जी से आंख नहीं मिल जाए। फिर पंडित जी इशारा कर रहे, मार कोनी, वो चुपचाप फिर मुंह घुमा ले, आज नहीं जगाया। और सरपंच जी प्रधान जी पूरा 3 घंटे सोए। कथा के बाद पंडित जी ने छोरे को बुलाया, इधर आ, उसको 10 रुपया दिया था कि नहीं दिया था कि अपने दादा को सोने मत देना? तो बालक ने हंसते हुए कहा, साहब महंगाई का जमाना है, तुमने 10 दिए सोने मत देना, हमारे दादाजी ने 50 दिए कि आज जगा मत देना। तो ऐसे कुछ महान सोता भी होते हैं कथा, किंतु आप सब तो अवश्य श्रोता है जो भाव से आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, प्रेम प्राप्ति के लिए आए हैं, ठाकुर जी के साथ अपना संबंध जोड़ने आए हैं। इस कथा के माध्यम से हमें उसी प्रेम को प्राप्त करना है जिस प्रेम से वो मिलता हो, जिस प्रेम से प्रभु प्राप्ति होती हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, कथा का सार कौन है? कृष्ण। कहते हैं एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, कुछ उनके भक्तगण सामने बैठे थे, सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज कुछ सत्संग सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कृष्ण, और चुप हो गए, सब चुप बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने हिम्मत जुटाई, कहा प्रभु जी सब लोगों की इच्छा है, आप कुछ सुनाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। महाप्रभु जी ने कहा कृष्ण, और चुप हो गए। फिर 15 मिनट तक सब शांत बैठे रहे। फिर कहा महाराज कुछ प्रवचन सुनाइए। महाप्रभु जी ने कृष्ण कहा और वहां से उठ करके अंदर चले गए। एक भक्त भीतर गया, महाप्रभु जी से कहा प्रभु ये बड़ी दूर से लोग सुनने आए, आपने कुछ सत्संग सुनाया क्यों नहीं? महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा जब मैंने सत्संग का सार सुना दिया तो और सुनने की आवश्यकता क्या? कृष्ण सुना दिया, समझो कृष्ण ही भागवत का सार है, राम ही रामायण का सार है। जिसने इस नाम को पकड़ लिया, जिसने भगवान कृष्ण को जान लिया, समझो उसने भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ याद कर लिए। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? सत्य है, छिद है, और भगवान आनंद है। आनंद किसको मिलता है? आनंद की प्राप्ति किसको हुई? नंद के आनंद भयो, आनंद मिलता है यशोदा को, और यशोदा उसको कहते हैं जो सबको देना जानती हो, जो बांटना जानती हो, उसी का नाम यशोदा है। यानी जो संसार को आनंद देना जानता हो, उसी के घट में, उसी के घर में भगवान बालक बन के प्रकट होते हैं। इस दुनिया में तुमको सुख कहीं से भी मिल जाएगा, तुम बढ़िया पार्टी में जाओ, क्लब में जाओ, कहीं जाओ, वहां तुमको सुख मिल सकता है, लेकिन सच्चा आनंद कहीं प्राप्त होगा तो वो केवल और केवल भगवान की कथा से प्राप्त हो सकता है। सुख चाहिए तो दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में जाकर के उनकी इस कथा में आनंद लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, भगवान
विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को प्रभु नष्ट करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप, कोई भी शारीरिक पीड़ा है वो दैहिक ताप है, उसका उपाय कोई भी दवाई गोली आदि। दैविक ताप, देवताओं के द्वारा जो ताप दिया जाता है, अधिक वर्षा, अधिक गर्मी, भूकंप इत्यादि, ये सब देवताओं के द्वारा दिए गए प्रकोप हैं। इनका उपाय केवल और केवल भगवान का नाम संकीर्तन है। इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस दैविक प्रकोप से बचा जा सकता है। हम सब प्रयास करेंगे कि इन 7 दिनों में नाम संकीर्तन और नाम की महिमा पर थोड़ी चर्चा और की जाए, क्योंकि ये जो भूमि है ये नाम की भूमि है, संकीर्तन की भूमि है। हम उस पर विगत 7 दिनों तक विशेष रूप से चर्चा भी करेंगे। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 तापों को नष्ट करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री का अर्थ राधा रानी है, क्योंकि भागवत का हर एक शब्द, भागवत का हर एक श्लोक, भागवत का हर एक अक्षर श्री राधा रानी की कृपा का प्रमाण है। श्री का जहां भी उपयोग हुआ है भागवत में, श्री का मतलब राधा रानी है, क्योंकि कृष्ण को जानना है तो श्री राधा रानी को जानना होगा, कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी। इसलिए आइए सभी कुछ क्षणों के लिए श्री राधा रानी का नाम गुणगान करेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा को। सभी मिलकर के भाव और श्रद्धा के साथ श्री राधा रानी का नाम गाते हुए। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, सोई 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 सोई, सोई
रोशनी तुझको हवन कर, रोशनी तुझको हवन कर, रोशनी तुझको नई नई नया राधा रानी की। चरण रज में वो सामर्थ्य है कि वो आपको भगवान तक पहुंचा दे, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है यत् पादम गुरुहे करेणु कणे काम मूर्धना निधा तुम नहीं। राधा रानी की वो चरण रज है जहां चरण रज को पाने के लिए प्रापुर ब्रह्म शिवा देयोभ्यदि प्रकृतिम, जहां शिव ब्रह्मा भी श्री राधा रानी की चरण रज पाने को तरसते हो, क्योंकि भगवान कृष्ण में भले थोड़ा ऐश्वर्य हो सकता है लेकिन राधा रानी सापि प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधा पिसाधारिणी क्वासं राधा पदम पदवी दुर्गा काहम त्वच्छा परम मदवा। कहां तो श्री राधा रानी जो इतनी अनंत कृपा की, कहां हम जैसे तुच्छ लोग, लेकिन राधा रानी की कृपा, राधा रानी इतनी भोली भाली हैं कि
कि किसी भी भक्त पर चाहे वो कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, श्री कृष्ण अपनाने में थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन राधा रानी के चरणों में जो पहुंच गया, श्री राधा रानी जाते ही उसको अपने हृदय से लगा लेती, क्योंकि राधा रानी से कृपालु स्वयं कृष्ण भी इतने कृपालु नहीं हो सकते जितनी राधा रानी है। और कृष्ण को अगर कोई प्रमाणित कर सकता है इस दुनिया में तो वो राधा रानी। आप सब कभी ब्रजधाम गए हो, वृंदावन मथुरा, तो बरसाना जो श्री जी का गांव है राधा रानी का, और काम्यवन जिसको आज कामा बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्थान है कदम खंडी। आप कभी जाएं तो अवश्य दर्शन कीजिएगा, अद्भुत स्थान है। इसका वर्णन भक्तमाल में आया है। भक्तमाल में पैगाव के एक भक्त थे शिनाभा जी, बड़े सुंदर भक्त हैं शिनाभा जी। नाभा जी की बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, बड़ी लंबी दाढ़ी है, इतनी कि वो धरती तक स्पर्श करती थी। तो कहते हैं कि नाभा जी एक दिन में पूरे 84 कोस की परिक्रमा कर लेते थे एक दिन में। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि ये भाव जगत का सत्य है, इसमें अपनी साइंस लगाओगे तो कुछ हाथ नहीं मिलने वाला। ये भक्त का, ये भक्ति का राज्य है, यहां कुछ भी हो सकता है। एक दिन में पूरे 84 की परिक्रमा लगाते थे। तो कहते हैं एक दिन परिक्रमा लगाते लगाते जा रहे थे, तो जैसे कदम खंडी पर आए, आज भी आप जाके देखोगे वहां बड़े बड़े भारी वन हैं, छोटी 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 झाड़ियां हैं, तो कांटों की झाड़ियां हैं। उसमें जब नाभा जी जा रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे, अचानक से उनकी दाढ़ी और उनकी जटाएं उस झाड़ियों में उलझ गई, और ऐसी उलझी कि तुम कितना भी प्रयास करो तो नहीं निकाल सकते। गांव वालों को पता चला कि बाबा जी की जटा उलझ गई, पूरा गांव दौड़ के आया, कहा महाराज हम सुलझा दे जरा। तो नाभा जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो वो ही सुलझाएगा जिसने उलझाई है, अब हम नहीं सुलझाने वाला, अब जिसने उलझाई है वही आकर के सुलझाएगा तो ही हम उससे सुलझवाएंगे। कहा बाबा कब तक प्रतीक्षा करोगे, ठाकुर जी नहीं आने वाले। बोले नहीं नहीं, जब तक वो आएगा नहीं हम यहां से हिलेंगे नहीं, भक्त की प्रतिज्ञा है, भगवान कैसे तोड़ सकते थे। इसलिए श्री ठाकुर जी पीताम्बरधारी श्री कृष्ण वहां साक्षात प्रकट हो गए। आइए बाबा हम आपकी जटाएं सुलझा देते हैं। बाबा ने कहा भाई साहब आप कौन? ठाकुर जी ने कहा रे जिस भगवान का तू भजन करता हम वही भगवान है। बोले कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? बोले वाह भैया बड़ा अजीब भक्त है तू, हमसे तो आज तक किसी ने सर्टिफिकेट मांगा नहीं, कोई प्रमाण पत्र मांगा नहीं। बोले हम ऐसे नहीं मानने वाले, प्रमाण दीजिए कि आप भगवान कृष्ण हो। अरे भैया क्या प्रमाण चाहिए, हम कोई कागज पत्र थोड़ी लेके घूमेंगे कि देखो हम भगवान हैं। तू ज्यादा कर ले हमारी बंसी देख ले, ये बंसी ये तो कृष्ण के पास ही होती है। नाभा जी ने हंसते हुए कहा बंसी में क्या, कहीं से भी बाजार से खरीद लो, हम लेके अभी बन जाएं कृष्ण, प्रमाण दीजिए कि आप कृष्ण हो। अपनी यशोदा मैया को बुला के लाए, वो प्रमाण देंगी। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, ब्रिज की किसी भी डोकरी को 10 रुपया दो अभाई कह देगी कि हम कन्हैया की माँ हैं, ऐसे थोड़ी मानेंगे, हमें पक्का प्रूफ चाहिए कि आप ही कृष्ण हो। तो भैया कैसे मानोगे? बोले अगर स्वयं राधा रानी आकर के कहें कि हाँ यही हमारे कृष्ण हैं तो हम मानेंगे कि आप कृष्ण। तब स्वयं श्री राधा रानी वहां आई और नाभा जी को कहा रे बाबा यही हमारे कन्हैया हैं, यही हमारे बांके बिहारी हैं, अब तो इनसे जटा सुलझवा लो। अब ये सब तो ड्रामा था, नाटक था, असली मकसद था कि राधा कृष्ण दोनों अपने हाथों से जटा सुलझा।
और फिर ठाकुर जी ने राधा रानी ने जटा सुलझाई, यानी कृष्ण को भी कृष्ण का प्रमाण देने वाला अगर कोई है तो वो केवल और केवल राधा रानी है। दुनिया में बहुत सारे रत्न हैं, आपके पास कोई रत्न होगा, कोई रत्न होगा, कोई हीरा होगा, लेकिन ब्रजवासियों का रत्न क्या है? श्री राधा रानी ही ब्रज का रत्न है। ब्रज को रतन राधिका गोरी, बड़ा सुंदर पद गाया है। इसलिए श्री किशोरी जू श्री जी के चरण पकड़ेंगे तो ही ये कथा का महात्म समझ आ सकता है, क्योंकि ये कथा को कहने वाले सुखदेव जी ने भी कथा कहीं से सीखी है तो वो राधा रानी से। इस कथा की सबसे पहली वक्ता राधा रानी। आप हम सब जो कथा सुन रहे हैं, ये वो कथा नहीं सुन रहे जो व्यास जी ने लिखी है, ये वो नहीं सुन रहे जो सूत जी ने सुनाई है, हम वो कथा सुनते हैं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की वाणी में मिठास है, और वो मिठास कहां से आई? बोले स्वयं राधा रानी ने उस सुख तोते को अपने हाथ पर बिठा करके दाड़िम के अनार के दाने खिला खिला के एक एक दाने के साथ भागवत का एक एक श्लोक पिलाया है, इसलिए वो भागवत इतनी रसीली हो गई है कि पिवत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीते रहो पीते रहो पीते रहो, इससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। स्वयं श्री राधा रानी ने गोलोक धाम में सुखदेव को कथा सिखाई। पूछा श्री सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ? तब वर्णन आया, यम प्रब्रजंतम नुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावह पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। किस प्रकार प्रागट्य हुआ वर्णन आया। एक बार मैया पार्वती कैलाश में बैठी थी, श्री नारद जी अपना वीणा लेके नारायण 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 गाते वहां पर पधार गए। प्रणाम किया, मैया प्रणाम, नारद जी को आदर से बिठाया। मैया पार्वती ने, कहिए महाराज कैसे पधारे? नारद जी बोले, देवी हम तो जा रहे थे यहां से निकल के, सोचा चलो भोलेनाथ जी के ही दर्शन कर चले, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे भोलेनाथ जी, लगता कहीं बाहर गए हैं। पार्वती जी बोली, पता तो हमको भी नहीं है, ऐसे ही कहीं निकल गए होंगे। नारद जी बोले, आपको बता के नहीं गए कहां जा रहे हैं? पार्वती जी बोली, नहीं। नारद जी बोले, हम तो समझते थे पृथ्वी के लोगों में ही प्रेम नहीं रहा, ये तो यहां भी खत्म हो गया। पार्वती जी बोली, आप कैसी बात करते हो, भोलेनाथ जी तो हमसे कितना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, फिर बता के क्यों नहीं जाते? पार्वती जी बोले, अरे नारद जी ऐसे कहीं जल्दी में निकल गए होंगे, भूल गए होंगे। बोले, अच्छा जल्दी में निकल गए भूल गए, बाकी सब रहस्य आपको पता है उनके? बोले, हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा तो बताइए उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? हम भैया तो चुप, ना तो कभी मैया पार्वती ने इच्छा जताई पूछने की जिज्ञासा, ना भोलेनाथ जी ने कभी बताया। नारद जी बोले, अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि भोलेनाथ जी आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम करते तो ऐसे छुपाते थोड़ी है बातों को। और जब आपको ये छोटी छोटी चीज नहीं बताई तो वो बात तो कतई नहीं बताई होगी। पार्वती जी बोली, वो बात कौन सी? नारद जी बोले, हम नहीं बताएंगे, देखो वैसे ही हमको सब कहते नारद झगड़ा कराता लड़ाई कराता घूमता है, फिर हमारा नाम बदनाम होगा, हम इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। अरे नहीं नहीं नारद जी, क्या बात है, जरा हमें भी बताइए। नारद जी ने कहा, देवी आपसे विवाह करने से पूर्व भोलेनाथ जी और भी विवाह कर चुके हैं, और भी पत्नी है उनकी। मैया ने जैसे सुना तो बस, नारद जी ने सोचा अब मैया बड़ी क्रोध में थोड़ी देर रुका तो सारा गुस्सा तेरी खोपड़ी पे फूटेगा,
इसलिए वीणा लिया और नारायण 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 गाते वहां से चल पड़े। रास्ते में मिल गए भोलेनाथ जी। देखा नारद भागा भागा आ रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। नारद जी बोले महाराज जाइए, आपको मैया थोड़ा याद कर रही है। भोलेनाथ जी बोले आप कैलाश से आए हो तो पक्का याद कर रही होंगी, कुछ जरूर विस्फोट करके आए होंगे। भोलेनाथ जी पहुंच गए। अब जब भोलेनाथ जी आते थे तो रोज मैया फूलों से स्वागत करती थी, आरती की थाली से स्वागत करती थी। आज चुपचाप भीतर कोने में बैठी, क्योंकि दुनिया रूठ जाए तो अलग बात है, लेकिन पत्नी रूठ जाए तो बस। रोज खिलाए गरम गरम रोटी, और जिस दिन गुस्सा तो मोटा मोटा टिक्कड़ थाप के रख दे कि खा लो, खाओ तो दांत बाहर आ जाए। इसलिए पत्नी से कभी बिगाड़ना नहीं, अगर बढ़िया भरपेट खाना हो तो। अरे ओ पार्वती देखो हम आ गए, बाहर आओ। भैया एकदम चुप। फिर भोलेनाथ जी बोले अरे पार्वती बाहर आओ तो सही, क्योंकि जब पत्नी ना बोले तो समझो कोई बहुत बड़ा खतरा है। अरे पार्वती क्या हुआ? अरे देखो हम आ गए, सुनो तो सही। भीतर से आवाज आई, अब हम नहीं सुनेंगे, अब तो अपनी पहली वाली को जाके सुनाओ। भोलेनाथ जी बोले बड़ा कोई भयंकर ही चक्कर है, छोटी मोटी बात नहीं है। भोलेनाथ जी पहुंचे, अरे देवी क्या हुआ, क्यों इतनी क्रोध में हो, क्या बात है? बोले हम समझते थे आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, पर आज पता चला आप हमसे प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो प्रेम में बातें छिपाई नहीं जाती हैं। आज तक आपने बताया आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? और तो और ये तो छोटी बात है, आपने आज तक बताया हमसे पहले भी आप विवाह कर चुके हैं। वो तो भला हो नारद का जो समय रहते सब बता गया। भोलेनाथ जी मुस्कुराते हुए मैया को कहते, अरे देवी नारद ने जो तुमको बात बताई वो सब बात तो सही